नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर साइड की चर्बी बढ़ने लग गई है तो आप लोगों को फोकस कर लेना चाहिए अपने बैली फैट के ऊपर, क्योंकि बैली फैट को काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या कहने का मतलब है इसे जलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये जो फैट है ये कम नहीं हुआ तो आप लोगों की जो एक्सटर्नल डिजीज़ हैं वो बढ़ने लग जाएंगी। तो ये जो चर्बी है ये किसी को भी पसंद नहीं होती, ये सभी को पता है कि ये एक्स्ट्रा फैट है और इसको हम लोग कम कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा फैट उम्र बढ़ने के साथ बढ़ सकता है और आप लोगों का जब मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है तब भी ये फैट जो है वो बढ़ने लग सकता है। तो मार्किंग कर लीजिए फैट कितना है और कैसे आप लोगों को कम करना है, स्क्वीज कर देना है इस फैट को बिल्कुल एकदम। तो उसके लिए हम लोग तैयार हो जाइए, अपने शूज़ वूज पहन कर तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सभी वर्कआउट्स आप लोगों को बैली फैट को रिड्यूस करने में आप लोगों की बहुत अधिक हेल्प करेंगे। और इवन आप लोगों के बैली फैट को ही नहीं, टोटल बॉडी को भी जो है फैट जो है वो लूज़ करने में आप लोगों की मदद करेंगे। साथ ही आप लोगों का जो हर्ट है उसे भी मजबूत करने में आप लोगों की मदद करेंगे। तो योगा मैट को तैयार कर लीजिए। और आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कार्डियो वर्कआउट्स। आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के कार्डियो वर्कआउट आप लोग घर पर ही कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को बाहर जाने की या दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वर्कआउट से स्टार्ट करते हैं माउंटेन क्लाइंबर और 40 सेकंड्स के लिए। सभी वर्कआउट्स जो हैं वो 40 सेकंड्स के रहेंगे और काउंटर आप लोगों की स्क्रीन पर चलता रहेगा, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। माउंटेन क्लाइंबर को करना भी आसान है, सिंपल आप लोगों को प्लैंक पोजीशन में रहना है। प्लैंक पोजीशन आप लोगों की एक तो होती है कोहनी के बेस पर और एक होती है आप लोगों की हथेलियों के बेस पर। तो जब भी आप लोग माउंटेन क्लाइंबर कर रहे हैं तो आप लोगों को हथेलियों के बेस पर ही आप लोगों को रहना होगा और दोनों पंजे के ऊपर आप लोगों को रहना होगा। अब आप लोगों को अपनी एक घुटना मोड़ते हुए जो है आगे की ओर आना है सिंपल, और दूसरा पैर आप लोगों का स्ट्रेट रहेगा। लेकिन जब इतना जल्दी होगा तो आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा पैर जो है वो सीधा है और कौन सा पैर घुटना मोड़ कर आगे की ओर आ रहा है, ठीक है। इसको करने से आप लोगों का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और साथ ही आप लोगों का बॉडी वेट भी कम होगा। दूसरी एक्सरसाइज है बर्पी फॉर 40 सेकंड्स। बर्पी को करना भी आसान है और इससे करने से आप लोगों का टोटल बॉडी जो है वेट जो है वो लूज होने में आप लोगों की मदद मिलती है। एक्स्ट्रा फैट बहुत जल्दी कम होने लगता है, कैलोरी बर्न होने लगती है, बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न कर सकता है बर्पी। तो इसको भी करने से आप लोगों का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है, पावर बढ़ता है, स्ट्रेंथ पावर बढ़ता है, मसल्स एंड्योरेंस भी बढ़ता है आप लोगों का, और इवन आप लोगों की जो पावर है हाथों की जो पावर है वो भी आप लोगों की बढ़ने लगती है। तो आप लोग ये एक्सरसाइज भी आप लोग कर सकते हैं। तो बर्पी को करने के लिए आप लोग 40 सेकंड्स जो है आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं 40 सेकंड्स, और इसको करने से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा कि आप लोगों की जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो कम हो सकती है, मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज हो सकती है, हर्ट भी मजबूत हो सकता है। तीसरा आप लोगों के लिए है लंजेस जंप, और ये आप लोगों को भी 40 सेकंड्स करना है। इसको करना भी आसान है, जस्ट आप लोगों को लंजेस करने हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड आप लोगों को करने हैं, अल्टरनेटिव लेग्स के साथ करने हैं और जंप्स के साथ करने हैं। जंप्स के साथ करेंगे तो आप लोगों का कार्डियो जो है वो आप लोगों का इसमें शामिल होगा, ब्लड फ्लो हर एक बॉडी के अंदर, हर एक पार्ट के अंदर जो है वो जाएगा। तो इससे आप लोगों को बॉडी फैट कम करने में आप लोगों को मदद मिलेगी और इवन आप लोगों का कार्डियो भी मजबूत होगा। तो अगर ब्लड फ्लो सही तरीके से हो जाता है तो आप लोगों का पेल्विक पोर्शन अच्छा हो जाता है, आप लोगों का जो पेट है अगर डाइजेस्टिव एंजाइम कमज़ोर हो चुके हैं तो वो भी अच्छे हो जाएंगे। नंबर नेक्स्ट है स्क्वाट जंप्स फॉर 40 सेकंड्स। स्क्वाट जंप्स भी आप लोगों को कितने सेकंड के लिए करना है, 40 सेकंड्स के लिए आप लोगों को स्क्वाट जंप्स करना है। स्क्वाट जंप्स को करने के लिए आप लोगों को सिंपल स्क्वाट करना है और फिर ऊपर की ओर उठते हुए जंप लगाना है। इसको भी आप लोगों को 40 सेकंड्स के लिए करना है, और 40 सेकंड्स के करने के बाद आप लोग कितना पसीना बाहर निकालेंगे वो देख लेना, क्योंकि स्क्वाट जंप्स में भी आप लोगों का बहुत सारा पसीना बाहर निकलने वाला है, बहुत सारा फैट पसीने के जरिए, बहुत सारी टॉक्सिटी पसीने के जरिए बाहर निकलने वाली है। तो इसको करने के लिए भी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है एक लोकेशन की ज़रूरत होती है जहाँ पर आप लोग इसे कर सकें, और ऐसे कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं चाहिए इसको करने के लिए भी। ये भी आप लोगों की बहुत सारी कैलोरीज को बर्न करने में आप लोगों की हेल्प करेगा। नंबर नेक्स्ट है अप डाउन फॉर 40 सेकंड्स। अप डाउन का मतलब है आप लोगों को सिंपल प्लैंक पोजीशन रखनी है, और प्लैंक पोजीशन के बाद में आप लोगों को अपना जो पैर है दोनों पैर एक साथ आगे की ओर लाने हैं। ध्यान रखिएगा किसी प्रकार की इंजरी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए।
आगे की ओर लाने हैं और उसके बाद में जंप लगाते हुए पीछे की ओर लेकर जाने हैं, फिर जंप लगाते हुए आगे की ओर लेकर आना है और फिर जंप लगाते हुए आप पीछे की ओर लेकर जाना है। तो इसको भी आप लोग जो है 40 सेकंड्स के लिए करेंगे तो आप लोगों का जो बैली फैट है वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। लोअर बैली खासकर इससे बहुत जल्दी रिड्यूस होने के चांसेस जो है वो बन जाते हैं, क्योंकि ऐसा करना जो है वो एक ऐसा होता है कि स्टार्ट में आप लोगों से 40 सेकंड्स ना हो तो आप लोग कम कर लें, उसके बाद इन बिटवीन आप लोग रेस्ट भी कर सकते हैं। ये कवर होने के बाद में आप लोग लैटरल जंप्स करें फॉर 40 सेकंड्स। लैटरल जंप्स जो है वो क्या है कि आप लोगों की एक स्पेसिफिक है कि एक बीच में आप लोग थोड़ा सा जो है पत्थर सा रख लें, उसके बाद आप लोग जो है उसके बीच में आप लोग जो है दाएं बाएं आप लोग जंप लगा सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का लैटरल जंप, और लैटरल जंप को भी आप लोग कितने सेकंड के लिए करना है, 40 सेकंड्स के लिए करना है। कार्डियो मजबूत हो जाएगा, बैली फैट रिड्यूस हो जाएगा आप लोगों का, और साथ ही आप लोगों का जो फिगर है वो एक स्लिम फिट फिगर में बदल जाएगा। तो अच्छा वर्कआउट है, आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। टोटल 10 मिनट्स वर्कआउट है, आप लोग कह सकते हैं 10 मिनट्स अगर आप लोग इसको दे देते हैं इन पूरे वर्कआउट्स को, 5 to 6 मिनट भी अगर आप लोग ये कंटिन्यूटी में कर लेते हैं तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। स्कैटर वॉक है, स्कैटर वॉक का मतलब है आप लोगों को ऐसी एक्सरसाइज जो आप लोगों को बेनिफिट दे, तो ये 40 सेकंड्स के लिए भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कैटर वॉक करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, एक जंप जो है आप लोगों को लगाना है और एक पैर के ऊपर आप लोगों को जंप लगाना है, दूसरे पैर जब आप लोग दूसरी दिशा में उतरें तो आप लोगों को दूसरी दिशा में आप लोगों को जंप लगाना है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे लैटरल वॉक भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, क्योंकि लैटरल वॉक हो रही है तो लैटरल वॉक भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो लैटरल वॉक ये हो गया और स्कैटर वॉक हम लोग आगे कंसीडर कर लेंगे, तो इसको हम लोग लैटरल वॉक मान लेते हैं, ठीक है। और इसको भी करने से आप लोगों का नीज़ भी मजबूत होते हैं, ठीक है, तो थाइज़ भी मजबूत होती हैं, बेली फैट भी रिड्यूस होता है, तो बहुत सारे फ़ायदे आप लोगों को हो जाते हैं। माई फेवरेट एक्सरसाइज आप लोगों को शामिल करनी होगी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हाईनी, हाईनी एक ऐसा है जिसको आप लोगों को जंप लगाना है, अपनी घुटने को मोड़ते हुए अपनी चेस्ट की ओर लेकर जाना होता है, तो ये वर्कआउट भी आप लोग कर सकते हैं 40 सेकंड्स के लिए, और इसको करने से भी आप लोगों को बहुत सारा पसीना जो है वो बाहर निकलने वाला है। और ऐसा करने से आप लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा कि आप लोगों का मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, आप लोगों की हार्ट रेट जो है वो सुधर जाएगी, ब्लड फ्लो जो है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा, तो आप लोगों का टोटल बॉडी वेट जो है वो लूज़ होने में आप लोगों को मदद मिल सकती है। तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, हाई नी एक्सरसाइज को 40 सेकंड्स के लिए कर सकते हैं। स्टैंडिंग जंप्स है फॉर 40 सेकंड्स, स्टैंडिंग जंप आप लोग लगाएं। स्टैंडिंग जंप अगर आप लोग लगा लेते हैं 40 मिनट के लिए तो आप लोग जो है अपने मेटाबॉलिक रेट को इनक्रीज़ कर लेंगे, अपनी कार्डियो को मजबूत बना लेंगे, और साथ ही आप लोगों की बहुत सारी कैलोरीज भी आप लोगों की बहुत बर्न हो जाएगी। तो इसका जो टारगेट मसल्स होती हैं वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप लोगों का पूरा कार्डियो है, और कार्डियो एक्सरसाइज करने से आप लोगों का जो ब्लड फ्लो है वो ही ज़्यादा टारगेट होता है कि वो हर एक अंगों तक पहुँचे और आप लोगों के हर एक बॉडी पार्ट को सही तरीके से नरिश करे। तो अगर ऐसा आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों का फैट भी रिड्यूस होने में आप लोगों को हेल्प मिल सकती है, आप लोगों का हर एक पार्ट सही तरीके से काम करेगा तो फैट रिड्यूस होगा ही होगा। स्कैटर वॉक है, स्कैटर वॉक को आप लोग 40 सेकंड्स के लिए करें, वो लैटरल वॉक थी, अब ये स्कैटर वॉक आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप लोग स्कैटर वॉक मान सकते हैं। जस्ट एक पैर जो है वो पीछे की ओर लेकर जाए, हाथों का मूवमेंट सही तरीके से होना चाहिए, तो इसको भी आप लोग 40 सेकंड्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। लेकिन प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करें, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक अकाउंट पर, अपने व्हाट्सअप अकाउंट पर तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप लोग अगर इसको एक लाइक बटन भी दे देते हैं, लाइक बटन पर क्लिक भी कर देते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने किसी चीज़ को लाइक किया। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।